हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मल्टीबैगर वर्ल्ड। तो आज वीडियो में आपको अपडेशन देने वाला हूं, जो मैं आपको माइक्रो कैप कंपनीज, स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज का जो मैं आपको पोर्टफोलियो मेंटेन करवा रहा हूं, उसमें कुछ अपडेशन है। तो वो अपडेशन देने के लिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपको कुछ नए स्टॉक्स ऐड करवाने वाला हूँ आपके पोर्टफोलियो के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसी अपडेशन मिलती रहे और आप मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते रहें। तो गाइज, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर अगर कोई नया है जो अभी नया नया चैनल को देख रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं काफ़ी टाइम से आपके लिए एक पोर्टफोलियो मेंटेन करवा रहा हूँ, जिसकी ये देखिए आपको अपडेशन मिलती रहती है यहाँ पर, स्मॉल कैप की और माइक्रो कैप कंपनीज की और ये मिड कैप कंपनीज की सारी अपडेशन आपको मिलती रहती है। कब स्टॉक कौन सा ऐड करना है आपको पोर्टफोलियो में और कौन सा एग्जिट करना है, सारी यहाँ पर अपडेशन आपको मिलती रहती है। तो एक हफ्ते पहले भी मैंने यहाँ पर अपडेशन दी थी, और फिर नई अपडेशन मैं यहाँ पर देने जा रहा हूँ आपको। तो दिखा देता हूँ वो स्टॉक जो हम के पोर्टफोलियो में ऐड है। तो ये माइक्रो कैप कंपनीज़ का पोर्टफोलियो है, और यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी कंपनीज में प्रॉफिट बुकिंग भी करवा चुका हूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा 17% का प्रॉफिट यहाँ पर बुक करवाया था। और तो यहाँ पर दो स्टॉक्स और नए ऐड करवाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है आपको GNA, एक्सलेस और यहाँ पर जेनबर्ग फार्मा। ये दो स्टॉक्स आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने हैं, जो भी इस पोर्टफोलियो को फॉलो करता हुआ चल रहा है। और यहाँ पर देखिए, राजू इंजीनियर्स इतना मार्केट गिरा हुआ है, बट अगर आप देखेंगे ओवरऑल, तो आप प्रॉफिट में ही, आप लॉस में नहीं है बहुत कोई भी। आप इतना मार्केट गिरने के बाद भी आप कोई बड़े लॉस में नहीं है, बहुत ही मामूली से लॉस होगा, अगर होगा भी। तो अगर किसी के 10,000 भी इसमें इन्वेस्ट होंगे, तो कम से कम आपके 100 या 150 रुपये के लॉस में होंगे। बट आप ये दो जो स्टॉक, क्योंकि मार्केट रिकवर करेगा तो फिर ये तेज़ी से वापस ऊपर चले जाएंगे। तो इंद्रप्रस्थ में तो वही का वही चल रहा है, और राजू इंजीनियर्स में 42 रुपये पे आ चुका है, ये 39 से 42 पर है। और अल्फा जियो में आप देखेंगे तो थोड़ी सी मामूली गिरावट है, जिसमें 5% की अभी गिरावट है, बट इस स्टॉक को अभी भी पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। पशुपति वहीं पर चल रहा है, और अपोलो माइक्रो सिस्टम ये भी माइनस में ही चल रहा है, अभी काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है इसमें, बट इसको अभी भी होल्ड करना है। और यहाँ पर सकुमा एक्सपोर्ट, तो सकुमा एक्सपोर्ट में 7% का भी प्रॉफिट चल रहा है, इतना मार्केट गिरा हुआ है फिर भी आप थोड़े प्रॉफिट में हैं। और यहाँ पर GNA में आप देखेंगे तो 401 रुपये 40 पैसे से मैं आपको दे रहा हूँ। अभी आप चेक कर सकते हो, आज की जो डेट है वो 19 सितंबर है, और अभी आप मार्केट कैप उस सॉरी आप प्राइस चेक कर सकते हो ऑनलाइन जाकर। अगर कोई नेक्स्ट डे भी देख रहा है तो वो उसकी हिस्ट्री में जाकर उसका प्राइस देख सकता है, कि 19 सितंबर को ये मार्केट में जब बंद हुआ है तो किस प्राइस पर बंद हुआ है, ये चेक कर सकते हैं वो। और जैनबर्ग फार्मा में आपका 813 रुपये का भी चल रहा है। तो ये रहा आपका माइक्रो कैप कंपनीज़ का पोर्टफोलियो, बट स्मॉल कैप कंपनीज जो है सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देकर जाएगी आपको। यहाँ पर देखिए, अभी तक जितने भी स्टॉक्स अभी तक रिकमेंड किए हैं और प्रॉफिट बुकिंग हुई, तो यहाँ पर देखिए सोनाटा सॉफ्टवेयर 11% के, और सोनाटा अभी भी हाई पे हाई ब्रेक करता चला गया है, बट इसके फंडामेंटल में कुछ चेंजेस आने की वजह से यहाँ पर मैंने आपको 11% के प्रॉफिट में आउट करवा दिया था। टीवी टुडे में 5% का प्रॉफिट, अभी कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ था। और नवीन फ्लोरिन में 3% के प्रॉफिट पर निकल आया था, और वी मार्ट में 28% के प्रॉफिट में। नोसेल में ज़्यादा कोई था नहीं मूवमेंट, और ये थायरो केयर में आपको 13% के प्रॉफिट में निकलवाया था, और कैनेट मेटल में, और यहाँ पर 10% के प्रॉफिट में निकलवाया है ये। और ये पोर्टफोलियो में अभी कोई भी नया स्टॉक्स नहीं आया जो मैं आपको ऐड करवा पाऊँ, बट सुवेन लाइफ साइंस में आपको अभी भी 30% करीब का प्रॉफिट चल रहा है। गुजरात एल्कलीज में 10% का प्रॉफिट चल रहा है। हॉकिंस में अभी कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, 1% का ही प्रॉफिट है। बैनको प्रोडक्ट्स में -3 में चल रहा है, -3% में, ये जितना भी है वो परसेंटेज है। और VST में अभी कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। ऑटोमोटिव्स में 8% के प्रॉफिट में चल रहे हैं। TTK हेल्थ केयर में 3.5% के प्रॉफिट में। रत्ना मनी मेटल्स में आप अभी 1.5% के प्रॉफिट में चल रहे हैं। PSP प्रोजेक्ट्स में -3% पे। और यहाँ पर गॉडफ्रे फिलिप्स में यहाँ पर आपको करीब 6% का प्रॉफिट चल रहा है। इतना मार्केट गिरा हुआ है फिर भी आप टोटल प्रॉफिट में कहीं ज़्यादा प्रॉफिट में हैं अभी आप। जो सुवेन लाइफ साइंस है वो करीब 44% के प्रॉफिट तक भी गया था, बट अभी बुक नहीं करवाया मैंने इसमें। और यहाँ रहा आपका, और ये जो मिड कैप का आपका पोर्टफोलियो है, यहाँ पर आपको कुछ मैं माइनस में दिखाई दे रहा हूँगा, कि स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है मार्केट में, जो इतना भी अभी उठापटक चल रही है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है अभी तीन स्टॉक्स में।
और बाकी का अगर आप देखें तो नेशनल एल्यूमिनियम में अभी आपको 5% का प्रॉफिट चल रहा है, और सबसे ज़्यादा आपको मोनसांटो इंडिया, जो मैंने वहाँ एग्जिट करवाया था बट यहाँ पर इन करवाया है, तो यहाँ आपको अच्छा खासा 25% तक का प्रॉफिट मिल रहा है। और ये दो नए स्टॉक्स हैं जो यहाँ पर ऐड किए हैं, पिछले बार भी मैंने इसमें प्रॉफिट बुक करवाया था। ये देखिए पी फिजर 12% के प्रॉफिट में यहाँ पर बुक करवा चुका हूँ, पहले भी पहले आउट करवा दिया था, फिर से ये स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बाटा इंडिया में हमने 4% करीब 5% के प्रॉफिट में निकाला था, एस के एफ इंडिया 3 साढ़े 3% के प्रॉफिट में, पी फिजर और ये फाइजर आपका निकला था 12% के प्रॉफिट में, और सिटी यूनियन बैंक आपका निकला है करीब 2% के प्रॉफिट में, पहले भी निकल चुका है सिटी यूनियन बैंक और फिर से मैंने ऐड करवाया है। टाइम टू टाइम एग्जिट और एंट्री करवाते रहते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर बुक करते रहते हैं हम। और सनूफी में हमको 5% का प्रॉफिट निकला था और डीसीबी बैंक यहाँ पे एग्जिट करवा दिया था, तो 1.5% के लॉस में था वो। और अब जो दो स्टॉक्स हैं पी फाइ सॉरी फाइजर फाइजर ही पढ़ते हैं उसको, और यहाँ पर अभी जो प्राइस चल रहा है 3113 पे चल रहा है, सिटी यूनियन बैंक 178 पर चल रहा है। तो गाइज़ मैंने आपको यहाँ पर अपडेशन दे दी है, अगर किसी को मेरे साथ अगर काम करना है, कोई मल्टीबैगर स्टॉक आपको चाहिए है जो कि पेड होता है, कोई फ्री नहीं होता है, वो पेड होता है क्योंकि उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है उसके फंडामेंटल्स में, तो इसलिए फ्री नहीं दिया जाता है वो। बट वो जो स्टॉक आपको दिया जाएगा वो आपको कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है, सिर्फ एक ही स्टॉक, तो उसको आपको बाय करना पड़ता है। तो अगर किसी को मेरे साथ कांटेक्ट कर वो मल्टी बैगर स्टॉक्स आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उधर पर जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो और वो स्टॉक्स बाय कर सकते हो। तो चलिए गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मेरे काम आपको पसंद आता हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों की होल्डिंग हो, तो ये स्टॉक्स आपको बहुत जल्द से जल्द काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देकर जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप नए हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, गुड बाय, शुक्रिया, धन्यवाद।